साथियों, मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ। सत्य कड़वा होता है लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बन करके आया है। साथियों, आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है और काशी और तमिलनाडु का नाता, मैं पिछले दिनों काशी तमिल संगम में जो ऊर्जा देखता हूं, जो भक्ति देखता हूं, जो भारत के प्रति प्यार देखता हूं, तो काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। आज बीओसी पोर्ट पर डीसेलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से तूतुकुड़ी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा।